हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ओवरटेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से एक नहीं दो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं नई भर्ती के। दोस्तों अगर आप भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी है दोनों ही वैकेंसी ऑल इंडिया की जॉब है और इस वैकेंसी के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, मतलब डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, साथ ही साथ सैलरी भी काफी अच्छी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, जहां पर हम बात करेंगे डीआरडीओ की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों अगर आप 10वीं क्लास पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास है, तो आज ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, यहां पर आपको नई सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो वेबसाइट पर रोजाना विजिट करते रहें, यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि डीआरडीओ की दो नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। सबसे पहले नंबर की जो भर्ती है वो आपके सामने, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो भर्ती है आपके सामने है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ कैप्स की तरफ से निकाली गई है। यहां पर जो पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ की वैकेंसी है। आवेदन आपसे दोस्तों ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं, बाय पोस्ट ही आपको अप्लाई करना होगा। सैलरी आपको 31,000 रुपए पर मंथ मिल रही है। ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है। यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, कम से कम मतलब मैक्सिमम जो है 28 साल है और कम से कम जो है 18 साल है। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर दोस्तों आप बीबीटेक पास है, एमईएमटेक पास है, अगर आपके पास में टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कैसे करना है, वो पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है। आवेदन जो है 21 दिनों के भीतर आपको अप्लाई कर लेना है, मतलब इस मार्च के मिड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, यहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और अप्लाई करना है। यहां पर नोटिफिकेशन आपके सामने है दोस्तों, यहां पर आपको नीचे आपको जाना है, लेकिन उससे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इस एड्रेस पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली यहां पर ईमेल आईडी दिया गया है वहां पर आप डायरेक्टली जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे दोस्तों तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है, भर करके सबमिट करना है। इस वैकेंसी को लेकर के कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की भर्ती की ओर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो दूसरे नंबर की वैकेंसी है वो भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की तरफ से निकाली गई है। और यहां पर जो वैकेंसी है मल्टीपल जॉब से, आप देख सकते हैं यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएट डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनीज की वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर नॉन टेक्निकल पोस्ट पे वैकेंसी है जो कि बीकॉम, बीए, बीएससी, बीसीए और बीबीए के लिए वैकेंसी है। आवेदन यहां पर आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। कुल मिला के 150 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो 150 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो केवल आपका मेरिट के आधार पर रहेगा, ना आपकी परीक्षा होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। बात की जाए यहां पर एज लिमिट की तो कम से कम 18 साल, अधिकतम जो है 37 साल तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी यहां पर दिया गया है। बात की जाए कि सैलरी आपको कितनी मिल रही है तो स्टाइपेंड आपको मिल रहा है 8,000 से 9,000 रुपए पर मंथ। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की है। एप्लीकेशन फीस जो है बिल्कुल फ्री है, किसी भी कैंडिडेट से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास के लिए कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी। दोस्तों अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या इंजीनियरिंग पास नहीं है तब भी आप यहां पर जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे। तो इसके आवेदन जो है दोस्तों 25 फरवरी से जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। 13 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। यहां पर आपको लिंक दिया गया है अप्लाई करने का, यहां से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं आवेदन जो है 13 मार्च 2023 तक चलेंगे। 25 फरवरी से आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। यहां पर आपको लिंक दिया गया है, यहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी वैकेंसी है, डिटेल्स में आप जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डीआरडीओ की दो नई वैकेंसी की अपडेट। इन वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।